झालावाड़ जिले की रायपुर थाना पुलिस ने ट्राई के अधिकारी बनकर लोगों से मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने टावर लगाने के नाम पर 53 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने आरोपी ठगों से 3,40,000 रुपए नकद बरामद किए हैं, साथ ही करीब 6 लाख रुपए की बैंक के माध्यम से रिकवरी करवाई है। सारे मामले की जानकारी देते हुए रायपुर थाना अधिकारी इस्लाम अली ने बताया है कि इलाके के कचराखेड़ी गांव निवासी लक्ष्मी नारायण प्रजापति से दिल्ली निवासी आजम खान व मोहम्मद रौनक अंसारी ने फोन पर बातचीत करते हुए फरियादी के खेत में मोबाइल टावर लगाने व प्रतिमाह हजारों रुपए का किराया देने का झांसा देकर ठगी करते हुए अलग अलग वक्त पर नकद व ऑनलाइन ट्रांसफर करवाकर कुल 53 लाख रुपए ठग लिए। इस शिकायत पर एसपी के निर्देश पर रायपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच करते हुए कार्रवाई व मामले के दोनों ठगों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही ठग शातिर बदमाश बताए जा रहे हैं, जो कि एक कॉल सेंटर कंपनी में काम करते थे, जहां से वे डेटा चोरी कर लोगों को फोन कर उन्हें मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर पैसे हड़पते थे। फिलहाल सारे मामले में रायपुर थाना पुलिस गिरफ्तार ठगों से पूछताछ में जुटी है। इसमें कई अन्य खुलासे होने की भी उम्मीद है। सारी चीजों का मोबाइल के माध्यम से पता लगा कर आजम सन ऑफ सलीम खान मुसलमान नई दिल्ली तथा मोहम्मद रौनक मुसलमान नई दिल्ली को अरेस्ट किया गया है। इनसे फिलहाल अभी अनुसंधान जारी है। रौनक के माध्यम से उसकी सूचना पर 3,40,000 रुपये इसमें बरामद किए जा चुके हैं और अभी अन्य मुलजिमान का पता लगाना शेष है, जो अनुसंधान से पता